मेरे साथ मिलके दोस्तों जोर से नारा लगाइए इनकलाब, और जोर से लगाइए इनकलाब इनकलाब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों जिस वक्त हमने स्वराज अभियान के मार्ग पर कदम बढ़ाए थे, उस वक्त अपने देश में वैकल्पिक राजनीति की खोज के लिए हमारे अंदर जो उमंग पैदा हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जब भी हम सब ने अपने विश्वास को किसी के ऊपर रखा तो उसने उस विश्वास का अनादर किया, उस विश्वास की विश्वासघाती ना हो उसके लिए हमने कदम आगे बढ़ाए और हमने ये फैसला लिया कि वैकल्पिक राजनीति की तरफ जब हम जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहला मार्ग क्या था। वैकल्पिक राजनीति पैसे के लिए नहीं की जाती, तरक्की के लिए पैसा नहीं उमंग की जरूरत होती है। हमने ये तय किया और आज सब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास यहां पर सब हम इकट्ठा हुए हैं, आप जानते हैं कि पूरे साल में नेशनल ट्रेजरी से आपको एक भी पैसे की मदद नहीं मिली, तो ये काम कैसे होते रहे, क्योंकि आपने अपनी जगह पे खड़े होके अपने पैसे से अपनी इच्छा को अंजाम देने के लिए खड़े हुए हो। जब आपने ये किया, जब आपने ये उमंग दिखाई तो आपकी नेशनल वर्किंग कमेटी का क्या धर्म बन जाता है, उसका यह धर्म बन जाता है कि वो अपना कटोरा लेके किसी से जाके पैसा नहीं मांगेगी, वो अपने पैसे से कोशिश करेगी। इस मुहिम को हमने सबके सामने रखा, जब ये रखा तो आपको ये खुशी होगी कि कुल 55.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ इस पीरियड में 31 मार्च 2016 तक। ये पैसा किसी बिजनेसमैन ने नहीं दिया, ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं दिया, इसमें हमें 5 लाख रुपए की जो आशीर्वाद मिली वो शांति भूषण जी से मिली। शुरू में आदिल भाई ने वो पैसा अपनी जेब से निकाल करके दिया। आदिल भाई ये आपके लिए नहीं है, ये उस उमंग के लिए है जिससे हम सब इकट्ठा होकर वैकल्पिक राजनीति ढूंढ रहे हैं। अगर हम किसी से पैसे के मोहताज हो जाएंगे तो हमारी सोच भी उसके लिए मोहताज हो जाएगी। इसको आजाद रखने के लिए हमें अपने पैसे से ये साबित करके दिखाना है। अगर खुदा भगवान क्राइस्ट और गुरु नानक बिना पैसे के दुनिया बना सकते थे तो क्या हम बिना पैसे के अपने स्वराज को सुरक्षित भी नहीं कर सकते। उस उमंग को मरने नहीं देना है, हमें उस तरीके से चलना है कि अगर कोई 2 पैसे भी गलत खर्च करने की इच्छा से जाता है तो उसका हाथ कांप जाना चाहिए कि नहीं, जब मैं जाके कहीं बोलूंगा तो मेरी बात कच्ची होगी। आप इस चीज को समझ लीजिए। आवेग साहा जी ने जिस वक्त हम आगे चले 20 लाख रुपया इस 55.5 लाख रुपए में से उन्होंने इंतजाम करवाया। इस सच्चाई के सिपाही ने अपने आप असली असली खेती करने के लिए जो बीज होता है उसका उसने ये मुहिम चलाया हुआ है। इस पैसे से आप ये देखिए कहां कहां क्या क्या होता है। हमारे 55.5 लाख रुपए में से 55.5 लाख कुल खर्च हुए। जहां भी ये खर्च हुए आप ये देख लीजिए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और जय किसान आंदोलन ने मिलकर जिस वक्त स्वराज अभियान के नाम से याचिका डाली, 20,000 करोड़ रुपया तो सरकार को छोड़ना पड़ा किसानों के लिए। तो आपके 55.5 लाख रुपए जिसमें से 16.5 लाख रुपए जय किसान आंदोलन पर खर्च हुए, उसकी वजह से 20,000 करोड़ तो सरकार को किसानों को देना पड़ा, 55 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के इसका फायदा हुआ। तो इसका मतलब आपके 20 लाख रुपए लगने से देश को 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। यह उस उमंग की एक सच्चाई होती है, यह ईमानदारी की सच्चाई होती है। मेरे दोस्तों मेरा यह मानना है कि जब तक हम ईमानदारी से सच्चे दिल से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमने अपनी ट्रेजरी में इस बात को साफ रखा और मैं सच्चे दिल से अपने सब साथियों को ये बता देना चाहता हूं कि इस नेशनल वर्किंग कमेटी को जो कि अब नई इलेक्ट हुई है इससे जो पहले थी, उसके एक एक साथी को मैं नमन करता हूं। क्योंकि प्रशांत भूषण को देखिए, उसने वो केस किया और उस शख्स ने अपनी जेब से 5 लाख रुपया करके इकट्ठा वो भी दिया। अपनी जेब से पैसा देकर जब तक हम अपने देश की उस उम्मीद के लिए आगे नहीं आएंगे तो हम उस विश्वास के पात्र बनेंगे कैसे, जिस विश्वास के लिए हम लोगों के पास जाना चाहते हैं।
हम राजनीति में इसलिए आगे ना बढ़ेंगे राजनीति से हमें कुछ प्राप्त होगा, हम राजनीति में इसलिए आगे बढ़ेंगे राजनीति की मार्फत तो देश के अंदर बड़े बड़े बजट बनाकर पैसा खर्च होता है, वो पैसा सही जगह जाकर लगे, इसलिए राजनीति की वैकल्पिकता का हमें बोध होना चाहिए, उसका ज्ञान करना है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमने क्या किया, हमने पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा, मांगा नहीं किसी से, क्यों, हमने हवन शुरू किया है। ये वैकल्पिक राजनीति का हवन, ये हमारी एनडब्ल्यूसी ने, योगेंद्र यादव ने, अजीत जी ने, हमारे प्यारे प्यारे जो अध्यक्ष हैं आनंद कुमार जी ने, प्रशांत भूषण ने, ये एक सोच सामने रखी, इस सोच को हवन कहा जाना चाहिए। और हवन के अंदर आहुति दी जाती है, दान नहीं दिया जाता है। दान लेकर आज तक किसी का कुछ नहीं बना है, दान इकट्ठा करके जाने पर भी दान के पात्र को अपनी सोच को छोड़ देना पड़ता है। लेकिन इससे हम अपने देश में 130 करोड़ लोगों में जो सबसे आखिर में खड़ा है उसको देने के लिए कोशिश करने के लिए हमने ये ट्रेजरी के हिसाब किताब को और ट्रेजरी की सोच को नहीं गाइड किया। ये बड़ी अनट्रेडिशनल है, ये वैकल्पिक है, इस वैकल्पिकता को हमने प्रमोट किया। और इसके अंदर हमारी कोशिश क्या है कि जब तरक्की के मार्ग पर देश के इकट्ठे हुए पैसे को समाज के नाम पर खर्च किया जाए, तो जो 130वें नंबर 130 करोड़वें नंबर पे हमारे देश का कोई भी नागरिक खड़ा हो, तो ये उसकी इच्छा हो कि वो चाहता है तो इसको ग्रहण करे, नहीं चाहता तो ना करे। इस कदर तक आजादी के लिए जाने के लिए हमें अपने आप को आजाद रखना होगा, अपनी सोच को आजाद रखना होगा। और उसके लिए आप ये समझ लीजिए, 15 अप्रैल को जिस वक्त हमने गिनती करी तो हमने पाया कि जो पहली हमारी मीटिंग हुई थी, जो लोग पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा होकर एक उम्मीद से आए थे, जिन्होंने एक हमें जिम्मेवारी दी थी कि आप सब इकट्ठे होके ऐसे माहौल का निर्माण करिए कि लोग इलेक्शन लड़ लड़ के आके आपकी एनएससी के अंदर मेंबर बने, तो उन्होंने 50,000 रुपया उस वक्त आहुति के अंदर दिया था। आज जब हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के, उस हवन के लिए जो हमने इसको शुरू किया है, जिसके अंदर अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है, जिसके लिए मुझे अभी भी याद है जब योगेंद्र यादव और इनके साथियों को जबरदस्ती उठा करके पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर दिया गया था और बाहर घमासान बारिश हो रही थी, रात को 3 बजे प्रशांत भूषण गाड़ी लेकर घूम रहे थे और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, अजीत जी, हम, प्रशांत जी सब बाहर खड़े थे, भूखे थे, प्यासे थे, तो आसना जी कहीं से चावल पैक करा के लाई और उन्होंने गरम गरम चावल दिए थे। ये उस भावना की कदर करने की जरूरत है। इन आहुतियों से आगे चलता है देश, ये देश कभी पैसे से आगे नहीं चलता है। इस देश के अंदर हमें जागरूक होना, ये हमारी कोशिश रही है। हमने इस हवन के लिए आपसे आह्वान किया है, हमने नेशनल वर्किंग कमेटी के अंदर भी जो आपने किया उसको थोड़े तरीके से मैच करने की कोशिश करी, हमने भी अपने आप ही पैसे आगे रखे। वो देने वाला वो है, इंसान कभी अपने आप कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसकी कुदरत का नजारा देखिए। आज हम सब यहां पर इकट्ठा हैं और मेरी गुजारिश है, जब हमारे जाने के बाद हमारी दी हुई आहुति का पैसे के मामले में गिनती हो तो कम से कम 50,000 रुपए से ज्यादा तो होनी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं 50,000 रुपए में से जितनी कम रह जाएगी वो मैं भगवान से पूजा करूंगा कि मुझे शक्ति दे कि मैं उसे उस आहुति को जोड़ने की पूरी कोशिश करूं। मेरे दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। ये जो संघर्ष पे हम निकले हैं, दो लाइनें जो जलहल यात्रा में मेरे को बहुत अच्छी लगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिस संघर्ष पे हम निकले हैं ये निकले किस लिए हैं, तो वो जो दो पंक्तियां मुझे याद हैं वो ये हैं, इसलिए इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, शाम सहमी न हो रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए 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 राह संघर्ष की हम चुने, कोई गरीब ना हो कोई अमीर ना हो, हर शख्स अपने मन से आजाद हो, सोच पे कोई भी किसी की अंकुश ना हो, ना हो हिंदू
ना कोई मुसलमान हो, जो भी हो भारतीय एक नागरिक हो, भारत का सपना हमेशा बुलंद रहे, इसलिए इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। धन्यवाद मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड सर्व द ड्रीम ऑफ इंडिया। आई विश माई लाइफ गोज टू गेट कंज्यूम्ड फॉर दैट पर्पज। थैंक यू। थैंक यू सो मच शारदा जी।